इका पहले वाला वीडियो में आपा जाना था कि मूलाधार चक्र के है वो उनको एलिमेंट कौन सो है, लेकिन आज आपा जो जानेंगा वो इसका बाद जो एलिमेंट है, इका बाद जो चक्र है उसकी बात करेंगा। उसका बाद जो चक्र आवा है वो चक्र है मूला स्वाधिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र जिन्हें अंग्रेजी में बोला है। तो आज आपा उसका बारे में जानेंगा, लेकिन उसका बारे में सब कुछ बताऊंगी। उसका पहले थाना एक बात बता दूं कि मैं सुनीता एचडी काबरा, आप सबकी मॉडर्न मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, सीईओ ऑफ रेशम गोल्ड ज्वेलरी एंड लाइफ केयर ब्रांड एंड योर डे मेकर। आप सब ना मेरी तरफ से बहुत बहुत धूप और सारा जो मेरे साथ छोटा है उन सब ना बहुत सारा प्यार। तो अभी मैं बता रही थी थाना सैक्रल चक्र के बारे में, सैक्रल चक्र यानी स्वाधिष्ठान चक्र। आज मैं थारे साथ वापस वही एग्जाम्पल्स शेयर करना चाह रही हूँ कि जो मैंने थाना पहले बताई थी कि सबसे पहले अगर पौधों लगावा हाँ तो कलिए के चाहिए मिट्टी, मिट्टी होगी आपनों मूलाधार चक्र। मिट्टी में पौधा लगाने के बाद दूसरों सबसे जरूरी काम के हुआ उमा पानी डाला है, पानी यानी वाटर एलिमेंट। तो आपनों जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो आपनों वाटर एलिमेंट है। अभी वाटर को मतलब के है पानी कहीं हुआ, आप सब अपने घर में किचन में पानी सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सब जाना। उन अगर टंकी में रखा तो वह टंकी को रूप ले लेवा, उन ग्लास में डाला है तो वह ग्लास की शेप में आ जावा, बॉटल में डाला है तो बॉटल की शेप में आ जावा। वहीं जो वाटर एलिमेंट है वो आपने सबका अंदर विचार में आपका बहुत लोग से बात करा ना कि उनको स्वभाव बहुत अच्छा है, जठा जावा वठे ही एडजस्ट हो जावा, सबका बीच में घुल मिल जावा। तो यो जो घुलनो मिलनो हो जिन्हें अंग्रेजी में फ्लैक्सीबिलिटी बोलना है कि सबका साथ जैया को माहौल है उनका हिसाब से ढल जानो, यही फ्लैक्सीबिलिटी है। या किस मिला है या अपना वाटर एलिमेंट से मिला है। वाटर एलिमेंट इन अ सेंटर ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब कुछ भी करने की जो क्षमता हुआ वह इस एलिमेंट का द्वारा आवा है, सैक्रल चक्र से आवा। कुछ भी करनो क्रिएटिविटी हुआ, चाहे अभी करना सब तरह को हुआ, एक्शन मतलब करना को मतलब सिर्फ काम ही को नहीं हुआ, अपना जो रिश्ता भी बनना है दूसरा सा, आप बात करा जो भी कुछ करा वह सब एक तरह की क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी में आप सबके साथ घुल मिल जाने के लिए जो आपनो वाटर एलिमेंट था वो बहुत ज़्यादा जरूरी हुआ। वहीं अगर आगे बात करा तो यो जो सैक्रल चक्र अभी हा कठिक यो जानना भी जरूरी है। तो जैया मूलाधार चक्र आपनी जो रीढ़ की हड्डी हुआ उसका सबसे निचले वालों जो हिस्सों हुआ वठासिक मूलाधार चक्र हुआ। मूलाधार चक्र से ऊपर यानी आपनी नाभि से दो अंगुली नीचे ये आपनो सैक्रल चक्र हुआ। सैक्रल चक्र मूलाधार चक्र से ऊपर यानी नाभि से जरा सी नीचे, अब थे आराम से समझ गा होगा। मूलाधार चक्र आप जो एक्टिविटी हुआ है क्रिएटिविटी जिन्हें बोला है, कुछ करना की क्षमता, कुछ करनो यानी एक नई क्रिएटिविटी, नई जान जो दुनिया में आवा है वह भी क्रिएटिविटी है। वह ऊपर वाला की बनाई कलाकृति है जो अपने माध्यम से आवा है, यानी जो बच्चा होने की क्षमता हुआ है जिनकी सेक्स एबिलिटी बोला है, वह सब फर्टिलिटी बोला है कि वह सब अपने सैक्रल चक्रा से यानी स्वाधिष्ठान चक्रा का द्वारा ही हुआ। तो इन सब में भी अगर किसी तरीका की कोई प्रॉब्लम है तो उसका लिए आपने स्वाधिष्ठान चक्र ना बैलेंस कर लो बहुत जरूरी हुआ। इंटरनल ऑर्गन में अंदर की जो बोला ना कोई भी बीमारी हुआ है, आंतरिक ऑर्गन में दिक्कत हुआ तो वह सब चीज़ सैक्रल चक्र का कारण हुआ। तो जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप समझ सका कि आपनों वो चक्रो डिसबैलेंस है, उमा कठा न कठा संतुलन में दिक्कत है। तो इका दिक्कत न कहीं दूर करनो है मैं वो भी उपाय बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ अगर मैं यो बता दूं कि या प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम है और उनको उपाय नहीं बताऊं तब तक इन्हें बताने से कोई फायदों को नहीं। तो इसीलिए मेरा साथ जुड़ा रहियो और आने वाला जितना भी वीडियो थे उन्हें देखोगा तो धीरे धीरे से सारा चक्रा के बारे में, उनका उपाय के बारे में सब मैं बहुत विस्तार से था लोग ना बताऊंगी। तो थे लोग मेरे साथ जुड़ा रही हो और यो वीडियो आपका और भी दोस्तों का साथ, आपका परिवार वाला का साथ जरूर शेयर करियो। थैंक यू।